स्वागत करती है न्यूज अब तक में, जो दिखाएगा राज्य की ताजा तरीन खबरें। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राजधानी में पनामा पेपर मामले में मामा के बेटे का नाम आने से सियासत गरमाई। कार्तिकेय चौहान ने दायर किया राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद। परिवादी शिवराज सिंह चौहान साहब के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान और उनकी तरफ से परिवाद पेश किया गया है सुरेश सिंह साहब की अदालत में, और परिवाद का आधार है कल 29 तारीख को राहुल गांधी साहब द्वारा झाबुआ की चुनावी रैली में दिया गया, जिसमें उनका पनामा पेपर्स में उनका नाम है शिवराज सिंह के बेटे का, और इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस रोज नया झूठ बोल रही है। ये इनकी सोची समझी साजिश है कि पहले झूठ बोलो फिर उसका खंडन करो, और आज राहुल गांधी ने जो किया है वो ऐसा ही है जैसे थूक के चाटना। जानबूझकर ये सब कर रहे हैं या उनको सुधबुद खो बैठे हैं या किसी नशे की हालत में ऐसा बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने जो अपमान शिवराज सिंह जी के परिवार का करने की कोशिश की है, जो दुस्साहस किया है, उसका भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जरूर जवाब देगा। भोपाल में सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे निर्वाचन आयोग, कांग्रेस की शिकायतों को दिया झूठा करार। कांग्रेस लगातार खासकर नरेला विधानसभा की वोटर लिस्ट को लेकर झूठी शिकायतें करती आ रही है। चार छः महीने में जब भी उन्होंने जो भी शिकायतें की वो सब झूठी साबित हुई, और उनकी झूठी शिकायतों के कारण दबाव में आकर बहुत सारे ऐसे मतदाताओं के नाम कट गए जो कि अभी भी वहाँ पर रहते हैं, और उसी का परिणाम निकला कि उन मतदाताओं के अधिकारों का हनन हुआ। आज हमने इलेक्शन कमीशन को एक सैंपल लिस्ट दी है और हमने ये निवेदन किया है कि निरसन सूची को लेकर पुनः जांच की जाए और जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनके नाम जोड़े जाएं। कांग्रेस का काम यही है, क्योंकि ज़मीन पर मुकाबला कर नहीं सकते। हमने इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा है कि ऐसी झूठी शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राजधानी भोपाल में नरेला विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में गड़बड़ी के विरुद्ध कांग्रेस पहुंची निर्वाचन आयोग, 1400 फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल। पूरे नरेला विधानसभा की सूची जो है ये संबंधित जो चुनाव अधिकारी हैं, यहाँ पर SDM मुकुल गुप्ता बैठे हुए हैं, वो पक्षपात पूर्ण तरीके से नाम दर्ज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के दबाव में। वो आज भी हमने उसी बात को लेकर के सबूत के साथ में लगभग 1400 नामों की फिर सूची दी है, जो कि एक ही व्यक्ति का नाम दो अलग अलग बूथों पर, एक ही फोटो दो दो तीन तीन बूथों पर एक व्यक्ति के नाम हैं, तो ऐसे 1400 नामों की सूची आज फिर हमने दी है। और साथ में हमने ये भी कहा है कि अब चूंकि कुल लगभग 11000 के आसपास ऐसे नाम हैं जो डुप्लीकेट हैं इस पूरी सूची में, तो उनका गहन परीक्षण किया जाए और संबंधित अधिकारी जो हैं उनके खिलाफ जो नियम के तहत कार्रवाई की जाना है, FIR दर्ज हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे अधिकारियों को इस निर्वाचन कार्य से पृथक किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज, मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने दिया बयान। वीडियो सोशल मीडिया पर आपने कुछ लोगों ने देखा होगा, मैंने भी देखा है, लेकिन वीडियो की अभी सच्चाई का पता नहीं है क्या है। रुस्तम सिंह जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, बहुत सीनियर ऑफिसर रहे हैं, बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, वो इस प्रकार की हरकत मुझे लगता है कर नहीं सकते। फिर भी अब FIR हुई है तो उसकी जांच होगी उसका परिणाम आएंगे, मुझे लगता है कि ये बात गलत निकलेगी। सभा में परिचय कराते समय कांग्रेस सांसद कांतिलाल भूरिया की जबान फिसली, यह भी ध्यान नहीं रहा कि राजीव के बेटे हैं या राहुल के। इंदिरा गांधी जी का पोता, राहुल गांधी जी का बेटा आज हमारे बीच में उपस्थित है। राहुल गांधी जी का बेटा आज हमारे बीच में उपस्थित है। राजीव गांधी जी का बेटा आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी। ग्वालियर में कंप्यूटर बाबा का आगमन, शिवराज से लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कंप्यूटर बाबा ग्वालियर पहुंचे और संत समागम में भाजपा के खिलाफ जमकर बोले, कहा प्रदेश में शिवराज की सरकार धर्म विरोधी सरकार है, मंदिर के नाम पर सरकार बनाने वाले नहीं बना पाएंगे राम मंदिर। एक्ट सिटी एक्ट पर सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दखल दे सकती है, लेकिन राम मंदिर के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात करती है,
यह भाजपा सरकार का दोहरा चेहरा है। वहीं नर्मदा मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नर्मदा का एक गिलास पानी पीकर दिखाए, साथ ही नर्मदा में अवैध उत्खनन और गौमाता के संरक्षण के विरोध में शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की बात कही। सरकार पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगाने वाले कंप्यूटर बाबा के कार्यक्रम में फर्जीवाड़ा देखने को मिला। भीड़ जुटाने के लिए साधु को दिया झूठा दिलासा। ये कंप्यूटर बाबा खुद मुख्यमंत्री को नीचे गिराना चाहता है और साधुओं को परेशान करता है। ये कंप्यूटर बाबा खुद मुख्यमंत्री को नीचे गिराना चाहता है और साधुओं को परेशान करता है। उनका यहाँ पे आना कैसे हुआ? और ये यहाँ पर कैसा आना हुआ मुख्यमंत्री का? और ये यानी कि ये साधुओं को अभी 2 बजे तक परेशान करके रखा है, विदाई नहीं दिया ना कुछ नहीं, और यहाँ पे यहाँ के वहाँ बैठ रहा है। भोपाल BMHRC ने हिंदू परिवार को सौंप दिया कृष्ण का शव। परिजन लेने पहुंचे तो पता चला हो चुका है अंतिम संस्कार। डॉक्टरों की लापरवाही का खामियाजा कई मरीज भुगतते रहे हैं, लेकिन इस बार भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जहां एक ईसाई व्यक्ति का शव हिंदू परिवार को दे दिया गया, जिसका हिंदू परिवार ने अंतिम संस्कार भी कर दिया। बाद में क्रिश्चियन परिवार जब बॉडी लेने अस्पताल पहुंचा तो उन्हें हिंदू व्यक्ति की बॉडी सौंप दी। जब बॉडी को देखा तो उसे लेने से इनकार किया। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस मामले में निशातपुरा थाने में अस्पताल कर्मचारियों और एक अन्य के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज किया। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल में 27 अक्टूबर की बात है, जिसमें 2 डेथ हुई थी, जिसमें से एक कुंजीमन नाम के व्यक्ति हैं और खुशी लाल, और उसमें वो इनिशियली जो कुंजीमन है उनकी बॉडी को खुशी लाल के परिवार वालों को सौंप दिया गया था। खुशीलाल के परिवार ने परिजनों ने कुंजीमन की बॉडी का अंतिम संस्कार किया है। इस तरह का एक मैटर आया है भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल का, और इसमें प्रथम दृष्टया ये है कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कहीं ना कहीं इसमें चूक हुई है, और जो मृतक खुशीलाल है उसके परिजन वो कुंजीमन की बॉडी ले गए थे जिन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया है, उनकी भी प्रथम दृष्टया इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही उम्मीद होती है। और इसमें अभी कुंजीमन के परिजन जो हैं वो यहाँ थाने पर हैं और इसमें गहराई कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के सतना में स्ट्रांग रूम की जर्जर छतों को देख भड़के नवागत कलेक्टर, बोले स्ट्रांग रूम में कोई भी समस्या आई तो भेज दूंगा जेल। चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में सतना भेजे गए नए कलेक्टर राहुल जैन के सख्त तेवर से अफसरों और कर्मचारियों की सिट्टी पिट्टी गुम है। नवागत कलेक्टर स्ट्रांग रूम निरीक्षण के दौरान कमरे की जर्जर छतों को देखकर कर्मचारियों को जेल भेजने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि यदि स्ट्रांग रूम की छतें गिरी या फिर कमरे में सीपेज आया तो सीधे जेल भेज दूंगा। देखो भाई, ऐसा है, स्ट्रांग रूम के कमरे बिल्कुल सही चाहिए, कोई भी समस्या होगी तो उनको जेल भेजूंगा, कोई भी समस्या होगी तो उनको जेल भेजूंगा। सतना के कॉलेज संचालक ने छात्रा के कॉलेज छोड़ने पर खराब चरित्र होने का सर्टिफिकेट थमाया। पीड़ित छात्रा ने दोषी संचालक के खिलाफ किया मामला दर्ज। देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि सतना जिले में एक प्राइवेट कॉलेज प्रबंधक ने एक छात्रा की इज्जत और करियर तबाह कर दिया। कॉलेज स्कॉलर होम ने चेयरमैन राजीव सोई की छेड़छाड़ से तंग आकर एक छात्रा ने जब कॉलेज छोड़कर ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिया तो उस पर कॉलेज प्रबंधक ने कैरेक्टर नॉट गुड का थप्पा लगा दिया। स्कॉलर होम कॉलेज के संचालक राजीव सोई ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि छात्रा ने प्रबंधक के खिलाफ छेड़खानी का मामला कोलगावा थाने में दर्ज कराया था। छात्रा से रंजिशन उसके चरित्र को ही प्रमाणित कर डाला, जिसके कारण पीड़ित छात्रा को अन्य कॉलेज में दाखिला नहीं मिल रहा है। पीड़ित छात्रा ने अधिकारियों से प्रमाण पत्र में सुधार करने और दोषी संचालक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की मांग की। स्कॉलर होम कॉलेज में फीस जमा करने के लिए पैसे ले गई थी, पैसे चोरी हो गए थे, उसके बाद में शिकायत लेके गई कॉलेज के संचालक के पास, तो उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश किया, तो मैं उस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं वहाँ से TC लेना का चाहती थी। उसके खिलाफ़ एक मुकदमा भी कराया मैं, तो वो बोल रहा कि अपनी कंप्लेन वापस लो और अपने आप को गलत साबित करो, पुलिस वालों के सामने जाके अपनी माफ़ी मांगो कि हमने गलत किया है, तब तुम्हारी TC दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरी दुश्मन हो, तुम्हारा भविष्य मैं बर्बाद कर दूँ।
हमारी टीसी नहीं दे रहा था, हमारी टीसी बड़ी मुश्किल से दिया, लेकिन हमारी टीसी में नॉट गुड लिख दिया, बेड चैरेटर लिख दिया, मतलब कि मुझे दिक्कत हो रही है और मेरा एडमिशन कहीं नहीं हो रहा है इस वजह से, क्योंकि मुझे गलत लड़की उसने ठहरा दिया। उसके खिलाफ FIR मैं हर जगह गई, SP कलेक्टर हर जगह गई, लेकिन मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ, मैं बहुत परेशान हूँ। सत्ता जिले की सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चेकिंग के दौरान बरामद की 26 पेटी अंग्रेजी शराब। मध्य प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के चलते पुलिस अपनी कार्रवाई पर जुट गई है। सतना सिटी कोतवाली पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई से बड़ी सफलता प्राप्त हुई, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान 26 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी, जिसकी कीमत करीब 1,00,000 बताई जा रही है। इसके साथ एक ऑल्टो कार सहित दो आरोपी गिरफ्तार किए। आरोपियों के नाम राघव प्रताप सिंह और भूपेंद्र सिंह बताया गया। पुलिस द्वारा दोनों आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। चुनाव आचार संहिता का तो चल ही रहा है, मेन जो है सिटी कोतवाली ने आज एक बड़ी बढ़िया सफलता प्राप्त की है। आबकारी के क्षेत्र में जो है 26 पेटी शराब पकड़ी गई, उस पर जो है उनके द्वारा 34 पेटी के साथ कार्रवाई की गई। अब तक की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। न्यूज़ अब तक, आपकी बात हमारे साथ। नमस्कार।